दोस्तों आज हम कवर करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो क्लास तक दोस्तों जरूर देखते रहिए ताकि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाना ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों पढ़े वही जो आपके एग्जाम के लिए हो सही। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 सेकंड होंगे आपके पास और स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें आपके नंबर कितने आए। ऑप्शन डी भाग 9। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में पंचायती राज जो है ना उसका जो संबंधित प्रावधान दोस्तों भाग 9 में है संविधान के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज की बात होगी, नगर पालिका की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन है दोस्तों भाग 4 के, भाग 9 के, भाग 14 के, भाग 22। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी भाग 9 के। देखिए दोस्तों भाग वही रहेगा, 9 ही रहेगा, 9 में ही पंचायती राज था, लेकिन 9 के या 9 ए जो भी आप बोलना चाहो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग 9 ए में, ठीक है, नगर पालिका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश या निर्देश देता है? ऑप्शन अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिल रहे हैं यहां पर। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकारों के कि वो पंचायतों को संगठित करे, पंचायतों का जो चुनाव होगा और उसके बाद उसमें उनको ग्रांट वगैरह दी जाएगी गांव में। सारा आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन सारे आएंगे तो मैं अभी बता रहा हूं आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, बी पंचायतों का कार्यक्रम, सी मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, ऑप्शन आपके हो चुके हैं। ऑप्शन बी पंचायतों का कार्यक्रम। देखिए दोस्तों संविधान की जो 11वीं अनुसूची है ना, जो बाद में जोड़ी गई थी, पहले 8 थी, अभी आपको आगे दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों पंचायतों का कार्यक्रम उसमें जोड़ा गया, ठीक है, 11वीं अनुसूची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन है दोस्तों सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, और दोस्तों डी है उपरोक्त सभी पर। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज दोस्तों प्रणाली जो है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। कैसे? देखिए दोस्तों जो पंचायत संगठित की जाती है ना गांव के अंदर बनाई जाती है, तो उसका कारण यही होता है कि जैसे जो एमएलए या एमपी होता है वो हर गांव को नहीं देख सकता, तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना वो पंचायतों के थ्रू ही किया जाता है। और आपको पता है महात्मा गांधी ने तो बोला ही था कि हमारी जो पंचायत है वो हमारे देश की जान है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रदान करता है, ऑप्शन ए है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि का विकास, बी ऑप्शन स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, सी ऑप्शन ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, डी है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन। जैसे दोस्तों सरकार देती है ग्रांट और जो सरपंच होता है वो ग्रांट को जैसे कि पानी लाना और अदर जो भी काम है वो करता है, तो राजस्व का संचालन हो गया, ठीक है। एमएलए हर जगह नहीं देख सकता या एमपी नहीं देख सकता, तो ग्रामीण स्तर पर राजस्व का उचित संचालन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ऑप्शन ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, बी ऑप्शन चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, सी ऑप्शन ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, अगर आपको पता है तो 3 सेकंड है। ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। अभी मैंने बताया एमएलए एमपी नहीं देख सकते, तो उनको दे दी जाती है थोड़ी सी शक्ति कि अपना काम करा लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो दोस्तों ऑप्शन है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, सी ऑप्शन है जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, या डी ऑप्शन है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आप आंसर बिल्कुल दे पाओगे। ऑप्शन डी जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ठीक है, ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? 73वां ऑप्शन है मुद्रा विनियम, वित्त आयोग, पंचायती राज, भारतीय रिजर्व बैंक। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड है आपके पास। ऑप्शन सी पंचायती राज। देखिए दोस्तों, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी नीति निदेशक सिद्धांत। देखिए दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से जो ये आपको दिए हुए यहां पर पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था कहां की गई है? नीति निदेशक सिद्धांतों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ये हम कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको इंटरलेट करना है। दीजिए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, 73वें संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। अब हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो दोस्तों बात आ गई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची में ही पंचायत राज हमने देख लिया है। भाग 9 के अंदर पंचायती राज है, 11वीं अनुसूची के अंदर है, 73वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। दोस्तों ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? ऑप्शन है 18, 23, 25, 29। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन डी 29। देखिए दोस्तों, जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज व्यवस्था की गई, तो उनको दोस्तों कार्य दिए गए 29। ठीक है, 29 प्रकार के कार्य दिए गए पंचायती राज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो दोस्तों ऑप्शन 1/3, 2/3, 3/4 और आधी। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, 1/3। देखिए दोस्तों, 73वां जो संशोधन हुआ उसमें महिलाओं के लिए कुछ आरक्षित सीटें डाली गई कि ये जो अध्यक्ष के जो संस्थाएं हैं उसमें अध्यक्ष में कम से कम पद पर जो है 1/3 महिलाएं जरूर होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख। नेक्स्ट, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो दोस्तों ऑप्शन है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। डी ऑप्शन है 6 माह के बाद, किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिल रहे हैं यहां पर। ऑप्शन सी 6 माह के अंदर। देखिए दोस्तों, पंचायत का विघटन के जब मान लो विघटन हो जाती है या तो कोई भी मान लो ऐसी ट्रेजडी हो जाती है, सरपंच की डेथ वगैरह हो जाती है, तो दोस्तों 6 महीने के अंदर चुनाव वहां पर कराने पड़ेंगे, ये यहां पर प्रावधान दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको डाउट रहता है, लेकिन आज इसका डाउट क्लियर आपको हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभा। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन जो है या चुनाव जो है कौन कराएगा? राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे आपके पंचायती राज पर, जो आज तक पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर में हमने जो जितने भी बढ़िया बढ़िया ज्यादा बार रिपीट हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो दोस्तों हम इसी प्रकार का वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए तो आपको नॉलेजेबल वीडियो यहां पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।